मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और उस जगह पर काफी अंधेरा था और वो लड़का क्रीपर से बचकर भाग रहा था और उसके हाथ में एक मैशेट नाइफ भी होता है। वो लड़का सामने से आती हुई एक गाड़ी को देखता है। वो उस गाड़ी की तरफ भागता है लेकिन जैसे ही वो उस गाड़ी के पास पहुंचता है क्रीपर वहां आकर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वही मैशेट नाइफ और एक हाथ आकर उसी गाड़ी पर गिरता और वो हाथ था क्रीपर का। इसके बाद हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को एक ट्रक मिलता है जो कि लॉक्ड था। वो उस ट्रक को खोलने की काफी कोशिश करते हैं और ट्रक को ओपन करने में वो कामयाब हो जाते हैं। ट्रक को खोलने के बाद जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ट्रक को चेक करने के लिए अंदर जाता है और ट्रक में लगे एक ट्रैप में फंसने से वो बच जाता है। और यहां पर हमें पता चलता है कि क्रीपर ने अपने ट्रक में बहुत सारे ट्रैप्स लगाए हुए थे। इतनी देर में वहां पर एक हंटर जिसका नाम शेरिफ डैन होता है वो वहां पर आता है और वो पुलिस को क्रीपर के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। वो पुलिस को क्रीपर की लोकेशन बताते हुए कहता है कि क्रीपर वहां पर मौजूद। पुलिस उसकी बातों पर एग्री करते हुए उसकी बात मान लेती है क्योंकि वो क्रीपर की तबाहियों के बारे में जानते थे। क्रीपर का ट्रक वहां से ले जाया जाता है और इतनी ही देर में क्रीपर भी वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने ट्रक को उन लोगों से फ्री करने में कामयाब हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि क्रीपर का ट्रक ऑटोमेटिक था और वो खुद ही चल रहा था। इसके पीछे रीजन ये थी क्योंकि क्रीपर खुद ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ। तभी अचानक से क्रीपर एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। ये देखकर दूसरी पुलिस ऑफिसर क्रीपर को गन पॉइंट करती है। क्रीपर उस लेडी पुलिस ऑफिसर को इशारे से मना करते हुए कहता है कि वो ऐसा ना करे। क्रीपर उसे बताने की कोशिश करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका भी वो वही हाल करेगा और वो उसे भी जान से मार दे। और ये कहते ही क्रीपर उस पुलिस ऑफिसर को लेकर जिसको उसने पकड़ा था हवा में उड़ जाता और वो लेडी पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाती और देखती ही रह जाती। इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि काफी ओल्ड थी और वो काफी अपसेट नजर आ रही थी। वो लेडी अपनी एक बेटी के साथ अपने घर पर रहती थी और वो लोग प्रोफेशन में फार्मर्स थे जो कि फाइनेंशियली तौर पर ज्यादा अच्छे नहीं थे। उस लेडी के सैड होने की वजह ये थी क्योंकि क्रीपर ने उसके बेटे को मार दिया था और वो अपने बेटे को बुला नहीं पा रही थी। और उस लेडी का बेटा वही था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जिसके हाथ में वो मैशेट था और क्रीपर ने उसे मार डाला। उस लेडी को एक विजन नजर आता है जिसमें उसे उसका बेटा दिखाई देता है जो उसे कहता है कि क्रीपर यहाँ पर आने वाला क्योंकि उन लोगों ने क्रीपर का एक हाथ अपने खेतों में दफन किया हुआ था। वो अपनी मदर को बताता है कि क्रीपर अपना हाथ यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं है और वो यहाँ पर जरूर आएगा और अपना हाथ लेकर जाएगा क्योंकि क्रीपर अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट किसी के पास छोड़ना नहीं चाहता था जिससे कि लोगों को पता चल सके उसके पास्ट के बारे में कि वो कैसा था। तब वो लेडी क्रीपर के हाथ को वहां से बाहर निकाल देती है। फिर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि बाइकर्स थे और वो बाइक चला रहे होते हैं। उन लड़कों में एक लड़का जो कि काफी रूड था और इंसानों के साथ साथ उसका बिहेव जानवरों के साथ भी अच्छा नहीं था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो जानवरों को नुकसान पहुंचा सके। तभी उन लोगों की नजर पास खड़े हुए एक ट्रक पर पड़ती है और ये ट्रक क्रीपर का ही। उस ट्रक को देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद ये वही ट्रक है जिसमें से लोग गायब होते हैं और वो उसका काफी मजाक बनाते हैं और वो लोग उस ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें तो कोई भी नहीं देख रहा है तो उन्हें उस ट्रक को चेक करना चाहिए। उनमें से एक लड़का एक पत्थर उठाता है और ट्रक की तरफ फेंकता है लेकिन वो पत्थर ट्रक से टकराकर वापस उस लड़के को आकर लगता है जो कि उसे इंजर्ड कर देता है जिसने वो पत्थर ट्रक की तरफ फेंका था। और उस ट्रक का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वो लड़के देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज हैं और उन डेड बॉडीज को देखकर वो डर जाते हैं और वो डरकर वहां से भागने लगते हैं। तभी ट्रक में से एक हार्पून निकलता है जो उस रूड लड़के की टांग में घुस जाता है। वो उस हार्पून को निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो हार्पून आहिस्ता आहिस्ता करके उस लड़के को ट्रक की तरफ ही खींचता ला रहा था। ये देखकर वो लड़का हेल्प के लिए चिल्लाता है और अपने फ्रेंड्स को कहता है कि मुझे इस मुसीबत में छोड़कर चले मत जा। तब उन लोगों का एक फ्रेंड बाइक लेकर वहां से भाग जाता है और इतनी ही देर में देखते ही देखते क्रीपर भी वहां पर आ जाता है और उसे देखकर उस लड़के के बाकी दोनों दोस्त भी भाग जाते। तब क्रीपर एक हार्पून उन लड़कों की तरफ फेंकता है और उन्हें भी जान से मार डालता है और जो लड़का बाइक लेकर भाग रहा था क्रीपर उसे पकड़कर हवा में उड़ जाता है। फिर हमें वो लेडी दिखाई जाती है जो कि ये चेक करना चाहती थी कि जो हाथ उसने जमीन में दफन किया था क्या अभी भी वो जिंदा है या नहीं। और जैसे ही वो अपना हाथ उस कटे हुए हाथ के पास ले जाती है वो कटा हुआ हाथ उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और उस लेडी के साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। उस लेडी की हालत को देखकर यहाँ पर हम नहीं समझ पाते कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। इतनी ही देर में शेरिफ डैन भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उस हाथ को टच करता है और शेरिफ डैन के साथ भी वही होने लगता है जो कि उस लेडी के साथ हुआ था। इतनी ही देर में एक लड़की जिसका नाम एडिसन होता है वो और उसका फ्रेंड वहाँ पर आते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि क्यों ना उन्हें बाहर जाकर चेक करना चाहिए। तभी एक काफी इंजर्ड पर्सन उनकी कार के पास आ जाता है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि उस इंजर्ड पर्सन का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और नोटिस करते हैं कि क्रीपर उनकी गाड़ी के पीछे ही खड़ा हुआ। क्रीपर को वहाँ पर देखकर वो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी क्रीपर उनकी गाड़ी के पास आ जाता है। क्रीपर को एडिसन अच्छी लग रही थी क्योंकि वो क्रीपर से डर रही थी
जो कि क्रीपर को काफी पसंद आता। क्रीपर गाड़ी की विंडो को तोड़कर एडिसन को अपने साथ ले जाता है और उसका दोस्त देखता ही रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। एडिसन को क्रीपर ने अपने ट्रक में ही बंद किया हुआ था, जहां पर वो रूड लड़का भी दिखाया जाता है जो कि अभी तक जिंदा था, लेकिन तभी ट्रक में लगी एक ट्रैप में फंसकर उसकी भी मौत हो जाती। अब ट्रक में सिर्फ एडिसन ही थी जो जिंदा बची थी। शेरिफ डैन जो कि एडिसन के घर पर होता है और उसे क्रीपर की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसके ट्रक का पीछा करते हैं और उसके साथ सार्जेंट भी होता है। सार्जेंट ट्रक के टायर पर शूट करता है लेकिन वो बुलेट्स रिवर्स होने लगती है और ट्रक में से एक अजीब सी चीज निकलती है जिनसे उनकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रक के सामने से भी पुलिस आ रही थी और वो भी ट्रक पर फायरिंग कर रहे होते, लेकिन इससे पहले कि सार्जेंट और शेरिफ डैन उन पुलिस ऑफिसर्स को कोई इंस्ट्रक्शंस देते, वो पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते। क्रीपर सार्जेंट और डैन की गाड़ी पर भी अटैक करता है जिससे उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। क्रीपर ट्रक से बाहर आता है, सार्जेंट क्रीपर पर फायरिंग करने लगता है लेकिन उन बुलेट्स का क्रीपर पर कोई भी असर नहीं होता। उनमें से एक बुलेट क्रीपर के सर पर लग जाती है जिससे उसकी कैप नीचे गिर जाती है और क्रीपर को काफी गुस्सा आता है। गुस्से में आकर क्रीपर एक शुरिकेन सार्जेंट की तरफ फेंकता है और वो शुरिकेन आकर सार्जेंट की गन पर लगता है जिससे सार्जेंट नीचे गिर जाता है। क्रीपर सार्जेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी शेरिफ डैन क्रीपर को आवाज लगा देता है। अब क्रीपर को तो काफी गुस्सा था तो वो सार्जेंट को छोड़कर डैन की तरफ ही बढ़ने लगता। तब शेरिफ पास में खड़ी हुई एक गाड़ी पर चढ़ जाता है जिसके ऊपर गन मशीन पड़ी हुई थी और क्रीपर शेरिफ पर अटैक कर देता है और तभी वो गन मशीन भी स्टार्ट हो जाती है और शेरिफ क्रीपर पर फायर कर देता है, लेकिन क्रीपर को ज्यादा नुकसान नहीं होता, बस थोड़ी बहुत चोट लगती है और क्रीपर शेरिफ डैन पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। सार्जेंट जो कि अभी जिंदा था, क्रीपर उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला जाता है। फिर हम क्रीपर के ट्रक को देखते हैं जहां पर एडिसन बंद थी और वो खुद को डेड बॉडीज में हाइड कर लेती है और ये सोचती है कि क्रीपर उसे नहीं ढूंढ पा, लेकिन वो थी। क्रीपर उसे ढूंढ लेता है। क्रीपर एडिसन को मारने की कोशिश करता है और बदले में एडिसन भी खुद को सेव करने की काफी कोशिश करती है। तब उस ट्रक में से एक ट्रैप निकल कर क्रीपर की स्कल के आर पार हो जाता है जिसकी वजह से क्रीपर की एक आंख ही बाहर आ जाती है और मौके का फायदा उठाकर एडिसन खुद को सेव करने के लिए ट्रक से बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि ट्रक का दरवाजा बंद होता, क्रीपर भी बाहर आकर एडिसन के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो नहीं उड़ पाता। इसके पीछे वजह ये होती है, जब शेरिफ डैन ने क्रीपर पर फायरिंग की थी तब उसका एक विंग इंजर्ड हो गया था जिसकी वजह से वो अब नहीं उड़ पा रहा था। तब क्रीपर वापस ट्रक में जाकर एक हार्पून निकालता है। अब क्योंकि क्रीपर की एक आंख भी बाहर आ गई थी तो वो सही से निशाना भी नहीं लगा पा रहा था और एडिसन खुद को सेव करने के लिए वहां से भाग रही होती और क्रीपर एक एक्स लेकर उसके पीछे भागता। फिर एक तेज लाइट क्रीपर की तरफ पड़ते हुए नजर आती है और वो एक ट्रक की लाइट थी जो कि क्रीपर के पीछे से आ रहा था और वो ट्रक क्रीपर को उड़ाकर वहां से ले जाता, लेकिन इसके बावजूद भी क्रीपर को कुछ नहीं होता और वो बच जाता। एडिसन के पीछे पीछे क्रीपर भी उसके घर तक पहुंच जाता है और तभी क्रीपर वहां पर नोटिस करता है कि वहां पर कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ था कि हम जानते हैं कि तुम कौन, और वहीं पर क्रीपर का एक हाथ भी था जिसे क्रीपर तोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी रियलिटी के बारे में पता चल सके। अब सिर्फ एडिसन ही सर्वाइवर बची थी जो कि क्रीपर की रियलिटी के बारे में जानती थी। नेक्स्ट डे एडिसन का फ्रेंड कहीं पर जा रहा था और वो उसे गुड बाय कह रहा होता। इसके बाद हम न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स को देखते हैं और वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्रिश होता है। ट्रिश के भाई को क्रीपर ने मार दिया था और वो अपने भाई की मौत का बदला उसे लेना चाहती थी और इसके लिए वो क्रीपर को चैलेंज भी करती है कि वो किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार डालेगी। और उस लड़की की वार्निंग के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।